जन्म से नथ सुनाई देने वाले बच्चों के अब कॉल कर इम्प्लांट सर्जरी से होंगे कान रिप्लेस। 250 लोगों ने मुफ्त कराया कान, गले और नाक का इलाज। मैक्स अस्पताल के निर्देशक एचओडी डॉक्टर संजय सचदेवा ने की शिरकत। जन्म से न सुनाई देने वाले बच्चों ने कॉकलर इम्प्लांट के जरिए कान रिप्लेस किए जा रहे हैं, जिनका कुल खर्चा 8.35 लाख रुपए आ रहा है, जिसे संस्था द्वारा ही खर्च किया जा रहा है। इसी कड़ी में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा कांगड़ा और रिपुदम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 14 सितंबर 2019 शनिवार को गोपाल बाग हुरकंडी में मुफ्त मासिक ENT शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर संजय सचदेवा निर्देशक HOD ENT सिर और गर्दन सर्जरी विभाग मैक्स ग्रुप अस्पताल ने शिरकत की। इससे पहले डॉक्टर संजय सचदेवा फोर्टिस अस्पताल के निर्देशक भी रह चुके हैं। इस कैंप में 250 लोगों के कान, गले और नाक की जांच की गई, साथ ही कैंप में सुनाई की जांच मुफ्त की गई। अब तक कॉलकर इम्प्लांट सर्जरी से 13 बच्चों के ऑपरेशन फ्री में किए जा चुके हैं, जो अब बोल और सुन सकते हैं। अब ये बच्चे स्पेशल स्कूल की बजाय नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाई कर सकते हैं। हम कांगड़ा से हैं और ये विवेकानंद मतलब संस्था है, ये कांगड़ा में है और यहाँ दिल्ली से डॉक्टर हर महीने आते हैं। और ये मेरी मिसेज का कान का ऑपरेशन हुआ था और वो अब ठीक है। हम फिर एक बार उनको चेकअप कराने आए। बाकी बहुत सारे यहाँ मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब अच्छे हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, लगभग 500 के लोग यहाँ आए हैं और लोगों को यहाँ पर लोग यहाँ पर ठीक भी हो रहे हैं। विवेकानंद केंद्र एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कन्याकुमारी में है और इसकी शाखा कांगड़ा में भी है और उनमें कॉकलर इम्प्लांट्स लगाते हैं। डेफ एंड डम जितने बच्चे होते हैं उनको फ्री कॉकलर इम्प्लांट्स आज तक करीबन 13 बच्चों को हमने लगाए हैं और एक एक बच्चे में 8,35,000 के करीब खर्चा हुआ था। और बाकी जो पेशेंट्स आते हैं उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, सर्जरीज डिफरेंट टाइप की होती है वो भी फ्री होती हैं। और कोशिश ये रहती है कि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से डेफ एंड डम और उसके अलावा जो हियरिंग डिसेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए उसको कवर अप करने के लिए डॉक्टर संजय सचदेवा के डायरेक्टर मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी के मैक्स ग्रुप, ये फ्री अपनी सेवाएं देते हैं, हर महीने आ जाते हैं, एक दिन OPD दूसरे दिन सर्जरीज करते हैं। और रिस्पॉन्स भी बहुत रहा है, हमें एक सेवा का मौका मिला क्योंकि विवेकानंद ने कहा था, स्वामी जी कहते थे कि सर्व मैन सर्व गॉड, नर ही नारायण है, उनकी सेवा करने में ही सब कुछ होता है। तो एक प्रयास हमें उसी पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। मैं पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के साथ और यहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ घर जो है मेरा, ये मेरे फादर इन लॉ का घर है, तो उनका एक चैरिटेबल चलता है, तो हम लोग मिलके ये संस्था चला रहे हैं। पिछले 12 साल से हर 2 महीने में मैं यहाँ आता हूँ, पेशेंट देखता हूँ और फिर उनकी ऑपरेशन करते हैं जिन जिनको ज़रूरत होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे बेसिकली डेफनेस काफ़ी है, सुनाई की तकलीफ काफ़ी है, लोगों के कान बहते रहते हैं, पर्दे में छेद हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है और फिर वो इलाज नहीं करते हैं और उसकी वजह से उनको सुनाई की कम हो जाती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ हम लोगों ने किए हैं, जो बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं और उनको बचपन से ही हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, वो सुन नहीं पाते, तो इन बच्चों का भविष्य जो है बहुत ही ब्लीक होता है, मतलब बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा जो है ना सुन पा रहा है ना बोल पा रहा है। तो वो एक स्पेशल स्कूल में जाता है जहाँ उसको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है और वो साइन लैंग्वेज मैं और आप तो समझते नहीं, तो वो मार्केट में जाके कुछ कर नहीं सकता है, कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए अपने कुछ कामयाबी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। तो उन बच्चों के लिए अब हम लोग कॉकलर इम्प्लांट लगाते हैं, जो कि बच्चे उस मशीन से जब इम्प्लांट लग जाता है तो इन अंदर का कान जो रिप्लेस हो जाता है, जैसे आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है, वेल रिप्लेसमेंट होती है, तो सिमिलरली ये कान की रिप्लेसमेंट होती है जिससे कि बच्चा सुन पाता है।